हेलो वेलकम गाइस, मैं हूं आशुतोष और आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ है विवाना सिंह, जिन्होंने हाल ही में एक नई जर्नी की शुरुआत की है। विवाना, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू सो मच आशुतोष, थैंक यू इंडिया टीवी। आप प्लेजर विवाना, नया शो है, नया क्या नया किरदार है, अपना टाइम भी आएगा, तो किस तरह का किरदार है इस बार? लाइक माँ का किरदार है, बट क्या क्या शेड्स होने वाले हैं इस बार आपके कैरेक्टर में? ऑयल के ऊपर बेस्ड है किरदार, वो रानी है जयपुर की, तो बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही सफिस्टिकेटेड है, जो भी करती है बड़ी क्लास को मेंटेन करते हुए करती है। सो इट इज नॉट अ वेरी आम जनता वाला रोल नहीं है या किसी बिजनेस वुमन का रोल नहीं है, इट इज अ रॉयल रोल, रॉयल कैरेक्टर। सो यस, बहुत something different than what I have done in past, and उतनी ही elegance से उसको play करने में बहुत ही आनंद आ रहा है। बिल्कुल, जब भी हम महारानी की बात करते हैं तो महारानियों का एक एक लहजा होता है, एक पोस्चर होता है, the way they carry themselves। तो लाइक विवाना से जो महारानी की ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो किस तरह से, लाइक जो नॉर्मल हम अक्सर जिस तरह से बिहेव करते हैं, बट महारानी का एक बैठने का तरीका, उनका लहजा, पोस्चर, वो सारी चीजें किस तरह से आपने तैयारी की? देखिए, बहुत ज्यादा मदद मिली है मुझे प्रोडक्शन में हमारे क्रिएटिव से, और डायरेक्टर भी धर्म सर डायरेक्ट कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स द होल क्रिएटिव टीम एंड डायरेक्टर एंड एवरीबॉडी इज स्टैंडिंग बाय मी। ऑल्सो ऑल द फिल्म्स दैट वी हैव सीन सो फार एंड ऑल द कैरेक्टर्स दैट वी हैव सीन रिलेटेड टू द रॉयल बैकग्राउंड, तो थोड़ा सा उसकी स्टडी भी की है, जिसकी वजह से कैसा उनका पोस्चर होना चाहिए, बैठने का तरीका होना चाहिए, खाने का पीने का तरीका होना चाहिए, तो वो हर चीज पे वर्क किया जा रहा है। और आई थिंक एक बार आप कैरेक्टर में चले जाते हैं, आपको पकड़ में आ जाता है, देन इट बिकम्स इजी। बट यस, शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज ये आम कैरेक्टर नहीं है, एंड वो की एलिगेंस है, एक रानी महारानी या महाराजाओं की जो एक वे ऑफ कंडक्ट होता है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। उसमें मैंने बहुत मेहनत भी की है, और साथ में सारी टीम, फ्रॉम माय क्रिएटिव्स टू द डायरेक्टर, एवरीबॉडी इज वेरी वेरी सपोर्टिव, और सब मेरे साथ में मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, इससे पहले ये जो किरदार था तनाज कर रही थी, और जब ऑलरेडी वो एक उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया था, काफी स्टेब्लिश हो चुका था कैरेक्टर, काफी पसंद कर रहे थे, फिर बीच में ही किसी कैरेक्टर को पकड़ना और उसे कैरी फॉरवर्ड करना, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, एक बैगेज होता है, तो वो सारी चीजों से कैसे डील किया? लाइक ऑलरेडी एक कैरेक्टर को बीच में ही पकड़ना और फिर उसे कैरी फॉरवर्ड करना। बिल्कुल, ये मेरे साथ मेरी लाइफ में पहली बार हुआ है। यूजली अभी तक जो भी कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं, वो शुरू से लेकर आखिर तक प्ले किए हैं, और ये लाइफ फर्स्ट एक्सपीरियंस है। एंड ऑफ कोर्स इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि ऑलरेडी कोई प्ले कर रहे थे जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और उसी वजह से मेरा आना हुआ। मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि मैं उस किरदार को बहुत ही सीरियसली लूं और बहुत ही ईमानदारी से उसे निभाऊं, एंड मैंने उसे अपना अपना फ्लेवर देने की कोशिश की है, बिकॉज दो लोग जैसे कि सेम नहीं होते, तो दो जो दो आर्टिस्ट हैं वो भी सेम नहीं है, ना वो दिखते सेम है, ना उम्र सेम होती है, ना तरीका प्ले करने का सेम होता है, हर चीज में बहुत डिफरेंस होता है। पर मैंने इसे अपने तरीके से करने की कोशिश की है, कीपिंग इन माइंड कि कैरेक्टर क्या है। तो एक बार कैरेक्टर ब्रीफ अगर आपको क्लियर है, जो कि आपके डायरेक्टर्स और आपके क्रिएटिव्स देते हैं, आपको वो क्लियर है, फिर आप उस पर मेहनत करते हो, तो आई थिंक धीरे धीरे ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रिव्यूज, पीपल आर लाइकिंग माय वर्क, आई कीप रीडिंग ऑन इंस्टाग्राम, पीपल आर कमेंटिंग दैट देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रेशनेस सिंस यू हैव कम, एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे ये काम मिला, और मैं अपना पूरा, मतलब नॉट इवन 100, आई गिव माय 1000%, आई रियली वर्क ऑन द स्क्रिप्ट, हाउ टू say a particular line, what kind of pauses are needed, because it is not a usual negative character. She is somebody which has a lot of class and elegance. तो कुछ भी कर रही हैं अगर रानी सा, उनका एक तरीका है उसे करने का, वो मैं कभी छोड़ नहीं सकती। तो I am working hard and I hope people accept me in this character and they give me as much love as they were giving the
the last person who was playing the role. बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे काफी पॉजिटिव फीडबैक्स आ रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आपके इंडस्ट्री फ्रेंड्स की अगर बात करें तो इंडस्ट्री फ्रेंड्स से किसी का रिस्पांस आया है, किसी ने कुछ बताया कैरेक्टर देखने के बाद कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं या कोई बदलाव करने की जरूरत है? इंडस्ट्री से किसी की कोई फीडबैक अगर आप जो शेयर कर सकें? I have very few friends from the industry, but Swati Didi, she was there in Kumkum Bhagya, and right. I'm closely associated with her. She just loved my work and she called me and she said, you're doing great. And every time that you play a character, you know, you're very different from the previous one. We never see Vivana, first of all, in any of the character. Because I, Vivana, I'm very soft-spoken and I'm a very different kind of a person. Whereas the kind of characters that I get are very harsh, they're negative, their approach towards people in the show, as in the other character, is very, very rude and very harsh because the character is such. So she really appreciated my work and that's about it. And whatever people know me from the industry, they're calling and they're saying, wow, great job and great that you've taken up this role and keep up the good work. बिल्कुल विवाना, अगर आपकी आपकी करियर की बात करें, आपने शुरुआत की थी जिमी से, वहां पे आपका अच्छा किरदार था। उसके बाद आपने टीवी की ओर जब रुख किया तो उसमें गॉडेस गंगा का आपने महाभारत में किरदार प्ले किया, अब महारानी के और बीच में बहुत सारे आप अलग अलग तरह के किरदार, तो कहीं ना कहीं अब कौन सा एक किरदार है जो आप हमेशा से करना चाहती हैं? ऐसा कोई बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अभी फिल्म्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, टीवी है, तो ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपके दिल के करीब है और आप चाहती हैं कि कभी मौका मिले तो इसको जरूर करना चाहेंगे? ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जब स्पेशली जब हम फिल्में देखते हैं तो कितनी बार कोई बहुत ही इंस्पायरिंग लगती है कुछ चीजें, और जो काम किया होता है पर्टिकुलर आर्टिस्ट ने बहुत डिफिकल्ट लगता है और बहुत चैलेंजिंग लगता है, तो मन करता है कि काश हमें भी ऐसा मौका मिले और हम काम कर सकें। बट काश में और सच्चाई में बहुत फर्क होता है। आई एम अ डेस्टिनीज चाइल्ड एंड आई बिलीव जो भी ऊपर वाले ने मेरे लिए लिखा है वो ही होना है। जो काम वो मुझे देता है मैं उसको उतनी ही शिद्दत से करती हूँ और उतनी मेहनत से करती हूँ और ऐसे सोच के करती हूँ कि ये ऊपर वाले ने मेरे लिए बनाया है, ये मेरे लिए चुना है, तो इसमें मैं अपने क्या रंग भर सकती हूँ एंड हाउ आई कैन स्टैंड आउट एज अ कैरेक्टर इन द शो और ऑन टीवी और इन वेब सीरीज और इन अ मूवी। बट जैसे कि तब्बू ने प्ले किया है चीनी काम, जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि what a range, you know, the story was such कि अपने अपने पिता से भी बड़ी उम्र के आदमी के साथ उन्हें प्यार होता है and the whole complexities between the characters, जो आप फील करते हैं, जो आपका ग्राफ होता है एज एन एक्टर, वो एक इच्छा है मेरी कि इस तरह का मैं कुछ आगे करने को मुझे मौका मिले। बट I say I'm a destiny's child and as God graces his kindness on me, I just take it up and I give my 1000%. बिल्कुल, महारानी के किरदार के लिए अगर आपने किसी को फॉलो किया हो या किसी से इंस्पायर हुए हो, जैसे इंडस्ट्री इतने सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, देन इट मे बी ऑन टीवी, इट मे बी ऑन बॉलीवुड फिल्म्स में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, किसी को अगर आपने फॉलो किया हो या उससे कोई कुछ सीखने की कोशिश की हो? नहीं, ऐसे तो मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। Like I said, that we've seen a lot of films from my childhood till now, that, you know, there are films where you see a lot of royal characters and how they talk and what is their body language. So, of course, that stays with you. And when the time comes, when you get such a character, you use that thing that you have, you know, you've learned by watching various films. But aise maine kisi ko as such फॉलो नहीं किया है, अपने आप ही अपने कैरेक्टर को बनाने की कोशिश की है और कीपिंग ऑफ कोर्स द बेसिक थिंग्स इन माइंड। जो पहले कोई कैरेक्टर प्ले करके गए हैं उन्होंने भी उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया है, सो जस्ट ट्राइंग टू कीप द ग्राफ अप कि काम नीचे ना हो, अच्छा ही हो, एंड जस्ट वर्किंग हार्ड ऑन दैट। अच्छा विवाना, अपना टाइम भी आएगा की बात करें तो विवाना की लाइफ का कौन सा मोमेंट था जब लगा कि अपना टाइम भी आएगा, अपना टाइम आ गया है, ऐसा कौन सा? ऑनेस्टली अभी तक नहीं आया शायद वो टाइम।
आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर आई हैव गॉट सो फार, बट अगर आप बोलें कि अपना टाइम भी आएगा, ऐसा टाइम अभी तक तो मेरी लाइफ में आया नहीं है, एंड आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। सेट की बात करें, अगर सेट पे मतलब कहीं ना कहीं यंग कास्ट है तो उनके साथ जेलप करना है किस तरह से, मतलब सेट की कोई वाकया, शूट्स के दौरान की कोई वाकया अगर आप शेयर कर सके, मतलब सेट्स पे भी यंग कास्ट है तो कितना एंजॉय करते हैं, कितना फन होता है, या किस तरह से सारी चीजें होती हैं? सब बहुत अच्छे हैं, पहली बात तो बहुत वार्म वेलकम हुआ है, सारी ही कास्ट बहुत ही डाउन टू अर्थ और मॉडेस्ट लोग हैं यहाँ पर, किसी में कोई एयर नहीं है, एंड दे आर वेरी नाइस, फ्रॉम फमान टू मेघा टू संगीता टू प्रियल, एवरीबडी दे हैव बीन निखिलेश, यू नो दे आर वेरी वेरी नाइस पीपल अराउंड। एंड अभी क्योंकि मैं अभी कुछ समय पहले ही आई हूँ, तो मस्ती मजाक में मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट है एंड इट इज समथिंग नॉट वेरी यूजुअल जो मैं प्ले कर चुकी हूँ, तो मैं बहुत अपने जोन में रहना पसंद करती हूँ, अपनी लाइंस पर फोकस करती हूँ, कैसे मैं किस चीज को बोलूंगी, किस तरह से मैं लुक दूंगी, तो मैं अपने काम पर ज्यादा फोकस करती हूँ। बट हाँ, जहां तक बात है कास्ट की, सभी बहुत ही वार्म है और बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे सबने, कहते हैं ना, अपने परिवार में मिला लिया है। बिल्कुल विवाना, जो आप मेहनत कर रहे हैं वो ऑन स्क्रीन दिख रही है, सभी पसंद कर रहे हैं, तो जाते रहते सभी दर्शकों से, फैंस से, आपके फैंस से, अपना टाइम भी आएगा शो के फैंस से, महारानी के फैंस से, सभी से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप हमारे शो देखते रहिए, हमारे शो को बहुत सारा प्यार दीजिए, हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए अच्छा शो, सारे ही आर्टिस्ट बहुत हार्ड वर्क करते हैं, एंड हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पसंद करें, और आपका प्यार हम पर बना रहे और सभी बड़ों का आशीर्वाद भी हमारे शो पर बना रहे। एंड लास्टली विवाना, अब जब आप साथ में हैं, हमारे आपसे बात हो रही है, तो ऑब्वियसली थोड़े से अपकमिंग ट्रैक्स के बारे में कुछ अगर बता सके आपकी, अब आपके आने से क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, किस तरह से इक्वेशन से चेंज होंगे, तो जो करंट ट्रैक है उसके बारे में थोड़ा सा आप कुछ बता सके कि आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ट्रैक के बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि दैट इज अगेन माय जॉब, बट इतना जरूर कहूंगी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड बहुत सारे ट्विस्ट आ रहे हैं, अच्छा ग्राफ क्रिएट हो रहा है, एंड आई एम श्योर दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। रानी और वीर की नोक झोंक, उनका प्यार, उनका बिछड़ना, उनका मिलना, सब कुछ बहुत अच्छे से शूट भी हो रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं हम सब, लेकिन हाँ, ट्रैक के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। चलिए विवाना, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की, बड़ा मजा आपसे बात करके, वी विश यू लक, विश यू गुड हेल्थ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर।